दबंग भूमाफिया के दबाव में फिर दिखे सरकारी कर्मचारी। एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जहां लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रहने के लिए घर दिया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के घाटमपुर तहसील के लेखपाल कानून को शौक इंचार्ज कुआं खेड़ा द्वारा बिना किसी सूचना दिए जेसीबी से पत्रकार का घर गिरवा दिया गया। बताते चले, घाटमपुर तहसील के असाधना गाँव में 1978 में हुए पट्टे पर पत्रकार पवन पटेल के बाप दादा रहते चले आ रहे हैं, पर अचानक 10 अक्टूबर की सुबह करीब 1 बजे लेखपाल शेखर कानून को शंभू प्रसाद चौकी प्रभारी कुआं खेड़ा के साथ पत्रकार पवन पटेल के घर पहुंचे और बिना जानकारी दिए पत्रकार का घर गिराने लगे। तो वहीं पत्रकार द्वारा मौके पर आए अधिकारियों से जब घर गिराने का आदेश की कॉपी मांगी गई, तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इधर उधर की बात करते हुए बिना आदेश दिखाए घर पर जेसीबी चलवा दी। पत्रकार की बातों को सत्य माने तो क्षेत्रीय दबंग भूमाफियाओं के सह पर लेखपाल और कानूनगो ने मिलकर पत्रकार के घर पर जबरन बुलडोजर चलाने का कार्य किया है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी बताया जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि जिस मकान पर जेसीबी चलाई गई, वह मकान का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी दबंग भूमाफियाओं की मिलीभगत के चलते लेखपाल और कानूनगो ने मिलकर बिना किसी आदेश के पत्रकार के घर पर जेसीबी चलवा दी। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी पुलिस लोगों को सुरक्षित जगह रहने की हिदायत दे रही है, तो वहीं यूपी पुलिस में तैनात पुलिस कर्मियों के सामने ही पत्रकार के घर को तोड़कर सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया गया। जहां एक ओर लेखपाल और कानूनगो द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पत्रकार के घर पर जेसीबी चलाई गई, तो वहीं दूसरी ओर बिना महिला पुलिस कर्मियों के घर में रह रही महिलाओं को पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन घर से घसीटकर बाहर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जहां एक ओर लेखपाल और कानूनगो द्वारा नियमों को ताक पर रखा गया, तो वहीं पुलिस कर्मियों ने भी नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई और दबंग भूमाफियाओं के सह पर महिलाओं को जबरन घर से घसीटकर बाहर कर दिया गया। हैरत की बात तो यह है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां बिना महिला पुलिस कर्मी के महिलाओं को हाथ लगाना तक मना है, तो वहीं पुरुष पुलिस कर्मी द्वारा जबरन घर से घसीटकर घर के बाहर किए जाने के बाद भी दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना यह है कि दबंग भूमाफियाओं की सह पर बिना आदेश व जांच के पत्रकार के घर पर जेसीबी चलाने वाले लेखपाल और कानूनगो और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखने वाले पुलिस कर्मियों पर जिले के आला अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, या दबंग भूमाफियाओं के राजनीतिक संरक्षण के कारण पत्रकार को ऐसे ही बेघर होकर घूमना पड़ेगा। कैमरामैन रितिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।